अस्सलाम वालेकुम। मैंने इसकी थोड़ी सी एवरेज बढ़ाई थी क्योंकि वो बहुत ही कम थी। लीन मिक्सचर था, लीन मिक्सचर का मैं बताता हूँ आपको बाद में, पहले तरह मैं एक आधा और प्लग चेक कर लूँ। अब ये थोड़ा रेडनेस आ गई है प्लग में, जो कि अच्छी बात है जी। तो ये थे इसके प्लग्स, इस टाइम मतलब कि रेडिश में आ गए हैं। तो पहले इसके प्लग आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे, वो बिल्कुल लीन मिक्सचर था। रिच मिक्सचर वो होता है जिसमें पेट्रोल ज़्यादा और ये कह लें कि हवा कम जाती है, मतलब कि हवा के नस्बत पेट्रोल ज़्यादा जाता है। तो ऐसे में ये होता है कि प्लग काले निकलते हैं आपके, और जो लीन मिक्सचर होता है उसमें प्लग आपके बहुत ड्राई से निकलते हैं, बिल्कुल ड्राई निकलते हैं, उसमें रेडनेस नहीं होती, थोड़ी रेडिश से नहीं होते हैं, महरून कह लें। तो फिर मैंने अभी इसके IMA सेंसर सेट किया था, मैं IMA की भी अभी वीडियो डालता हूँ कैसे सेट होता है विदाउट ऑक्सीजन सेंसर की मशीन के, ना कि अंदाजन उसकी कुछ अच्छी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो अब मैंने इसके IMA से थोड़ी सी रीडिंग बढ़ा दी है, अब इसके ये रेड में प्लग निकले हैं। क्योंकि लीन मिक्सचर में ऐसे होता है कि ये वो इंजन के लिए नुकसानदेह होता है, खुश चलता है इंजन बिल्कुल ही, उसके पिस्टन भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा सा इंजन के लिए तो नुकसानदेह होता है जो लीन मिक्सचर होता है। तो मैंने अब थोड़ी सी इसकी एवरेज बढ़ा दी, क्योंकि वाकई ही बहुत ही देर से नीडल नीचे जा रही थी। मैं रात गुजरात से लाहौर गया हूँ, मैंने सोचा हुआ था कि 7000 का पेट्रोल कराऊँगा, और मुझे तो लग रहा है इसने 3500 का खाया होगा, क्योंकि जब 200 से नीचे पेट्रोल था तो 5000 का खाती थी ये, जिस तरह की मैं ड्राइव करता हूँ उस लिहाज से। तो मैंने उस लिहाज से 7 का कराया था, इसने मुझे तो लग रहा है कि 3500 का भी नहीं खाया होगा या 3500 का खाया होगा। तो क्योंकि नीडल इसकी इस टाइम जिस पोजीशन पे है ना ये पेट्रोल की, इससे आप कह लो कि हाफ से इससे थोड़ी सी ऊपर थी, तो इसका मतलब ये, और मैंने एंड पे डाला था पेट्रोल तो काफ़ी अच्छी एवरेज दी थी, लेकिन वो दिल डरता है कि यार फिर ये ना हो कि इसका इंजन ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने IMA से इसकी थोड़ी सी रीडिंग बढ़ाई है, अब इसके रेड प्लग जो हैं वो थोड़े से रेडिश में आ गए हैं, ऑरेंज से कलर के हो गए हैं, जो कि मेरा ख्याल है इस टाइम इंजन खुश्क नहीं चल रहा होना।